नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लासेस यानी यूट्यूब में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहता हूं कि आप सबकी जो भी सिलेबस है जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करें। तो उसी सिलेबस में आज आपका जीएस का एक नया पोर्शन करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसमें एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं हम नोबेल प्राइज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार आज की डेट में माना जाता है। तो आइए देखते हैं हम नॉवेल के बारे में क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में बनता है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो नॉवेल प्राइस के बारे में आप अपडेट होंगे, बट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपरों में, इनको देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आइए हम लोग थोड़ा सा नॉवेल पुरस्कार के बारे में परिचय करते हैं। तो नॉवेल हमारा एक टाइटल है, यानी हम सभी जानते हैं कि एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, यानी उनके पिता की टाइटल नोबेल थी और उन्हीं के नाम के आगे ये नोबेल जुड़ा। और इन्होंने क्या किया, अपनी एक उम्र इन्वेंशन में लगा दी, यानी इन्होंने खोज में लगा दिया। और खोज करने के बाद इन्होंने एक ऐसे तत्व का खोज किया जो काफी विस्फोटक था, और इतिहास में उनको किसी ऐसे शब्दों से ना जाना जाए जिससे उनको क्षति पहुंचे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी संपत्ति का लगभग 95-94% हिस्सा आपका दान करने के लिए, यानी ऐसे लोगों के उपयोग में लगाने के लिए कह दिया फाउंडेशन से यानी संस्था से, कि जैसे उनको याद रखा जाए। तो डेफिनेटली भाई, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को देता है तो सरकार उसका नाम कहीं ना कहीं मेंशन करती है। तो धीरे धीरे उस नाम से क्या किया इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने एक फाउंडेशन बनाया जो नोबेल फाउंडेशन के नाम से जाना गया। और ये हम बेसिक तौर पे अगर इनके बारे में थोड़ा सा परिचय करना चाहेंगे, देखिए अल्फ्रेड नोबेल हमारे स्वीडन के रसायन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे जिनके जन्म के बारे में बात करें तो 1833 में इनका जन्म हुआ था और 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जब इनके हम परिचय के बारे में बात करें तो ये व्यक्ति एक ऐसे थे जिन्होंने एक इंडिविजुअल लाइफ यानी अपने जीवन में शादी वगैरह नहीं करी थी या कोई भी इनसे ऐसा संबंध नहीं था जिनको ये संपत्ति देते। तो इन्होंने जब अपना इन्वेंशन किया तो उस दौरान इनको बहुत सारा क्या हुआ, फॉर्मूला इन्होंने जनरेट किया, और वो फॉर्मूला था डायनामाइट का। डायनामाइट एक हमारा विस्फोटक पदार्थ होता है जिसको हम वेपन्स बनाने में यानी हथियार बनाने में यूज करते हैं। तो उस जब वेपन्स को इन्होंने इन्वेंशन किया तो बहुत सारे देशों ने उनसे लिया वो फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिया तो उनको बहुत सारा धन मिला। जब वो धन मिला तो उन्होंने क्या किया, एक फाउंडेशन की स्थापना कर दी। तो वो फाउंडेशन आपकी नोबेल फाउंडेशन के नाम से जानी गई, नोबेल फाउंडेशन के नाम से जानी गई। और एक आप सभी को पता है कि दुनिया की एक सच्चाई है, किसी ना किसी दिन व्यक्ति को अंतिम समय में अपनी मृत्यु को प्राप्त करना होता है। तो जब इनकी डेथ हो गई तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे जन्मदिन पर मेरे पुरस्कारों का वितरण ना किया जाए, मेरी मृत्यु पर पुरस्कारों का वितरण किया जाए, जिसको हम आगे भी बताएंगे। तो 10 दिसंबर 1896 को जब अल्फ्रेड नोबेल जी का निधन हुआ तो उस बाद क्या हुआ, स्वीडन सरकार ने सोचा कि इनके लिए हम क्या कर सकते, तो इन्होंने इसी फाउंडेशन को कन्वर्ट कर दिया पुरस्कारों में। और पहली बार हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो इनके मृत्यु के उपरांत 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप देंगे 1901। और क्वेश्चन पूछता है आपका नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है स्वीडन सरकार देती है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आप नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपका नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक तौर पे आपको बताना चाहूंगा। जब नोबेल पुरस्कार शुरू में स्टार्ट किया गया था तो केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में एक नया सेक्शन आपका छठा जुड़ चुका है जिसको हम अभी चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी बताएंगे आपको। देखिए तो हम बेसिक तौर पर चीजों को एक बार रिमाइंड करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार हमारा एक ऐसा पुरस्कार है जो इन्वेंशन यानी रिसर्च के लिए दिया जाता है, या फिर उससे संबंधित सामाजिक उन लोगों को दिया जाता है जो लोग कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे कार्यों को करते हैं। तो हमारे वो 5 सेक्शन शुरू में थे। पहला सेक्शन हमारा था शांति का, जिसे हम पीस के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा था साहित्य का, यानी जिसे हम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा था भौतिकी,
यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता था। चौथा हमारा रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। और पांचवा हमारा दिया जाता था चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता था। बट स्वीडन सरकार के कहने पर एक छठा सेक्शन हमारा जोड़ा गया 1969 में, वो हमारा बना इकोनॉमी का क्षेत्र यानी अर्थशास्त्र। यानी पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के कहने पर इकोनॉमी का छठा सेक्शन जोड़ा गया, जो वर्तमान में काफी आपका महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है। जब सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडिश की 300वीं वर्षगांठ थी, उस अवसर पर क्या किया स्वीडन सरकार ने, एक और नया सेक्शन बढ़ा दिया, वो कौन सा, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कैसे किस तरीके से नॉवेल की स्ट्रक्चर बना, भूमिका बनी। अब देखिए क्वेश्चन आपका पैटर्न क्या होता है, इनमें जो सेक्शन होता है वो सभी इनके होम टाउन के दिए जाते हैं। उसका रीजन ये था कि हमारे अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन में ही पैदा हुए थे। तो स्वीडन के स्टॉकहोम का नाम सुना होगा आपने, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे आपके जो होते हैं पांच सेक्शन के पुरस्कार दिए जाते हैं, बट यहाँ पे शांति का पुरस्कार आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है, ये आपका स्टॉकहोम में ना देकर ओस्लो में दिया जाता है, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये पुरस्कार आपका ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो किसकी कैपिटल है, तो नॉर्वे की। तो इस तरीके से आपने देखा कि नोबेल पुरस्कार का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हमने देखा कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर शुरू किया गया, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर शुरू किया गया। उनकी पुण्यतिथि कब है, तो 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन सी सरकार देती है, तो स्वीडन सरकार देती है। नोबेल पुरस्कार शुरू में कितने क्षेत्रों में देते थे, तो पांच क्षेत्रों में देते थे। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में देते हैं, तो छह क्षेत्रों में देते हैं। छठा सेक्शन कौन सा है, तो वो अंतिम सेक्शन आपका इकोनॉमी है। कब जोड़ा गया, 1969 में इकोनॉमी में जोड़ा गया। बाकी पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई, 1901 में की गई। अब यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड धनराशि नहीं पूछी जाती है, बट मैं अभी बता देता हूँ कि लास्ट ईयर कितनी धनराशि दी गई है। उसका रीजन होता है क्योंकि जो भी आपका नोबेल पुरस्कार में धनराशि दी जाती है वो डॉलर में दी जाती है, और कहीं ना कहीं अगर डॉलर की धनराशि होती तो हमारी करेंसी या दूसरे की करेंसी में अप एंड डाउन होती रहती है, तो एग्जैक्ट करेंसी नहीं बताया जा सकता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 14 लाख डॉलर के आसपास हम लोग धनराशि देते हैं, 14 लाख डॉलर के आसपास धनराशि देते हैं। जब इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, या जिस भी देश के व्यक्ति को दिया जाएगा तो वो अपनी करेंसी में जाकर कन्वर्ट कराता है, तो इसलिए अमाउंट क्या होता है एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए अमाउंट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए नोबेल से हमारे पास रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ओल्डेस्ट एज कोई डिपेंड नहीं करता है, बट हमारे पास क्या यंगेस्ट डिपेंड करता है कि यंगेस्ट किसे दिया गया है, क्योंकि देखिए ये पुरस्कार इतने छोटे पुरस्कार भी नहीं होते कि किसी को भी उठाया और दे दिया गया। तो इसमें क्या होता है, इन्वेंशन है, रिसर्च है, या सारी चीजों को बहुत ध्यान में दिया जाता है। तो हमारे पास सबसे कम उम्र के पुरस्कार पाने वाली हमारी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को पता है 2014 की घटना याद आ रही होगी कि मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान। ये एक ऐसी महिला है जो नारी शिक्षा के लिए पूरे मुस्लिम कंट्री के सामने इन्होंने क्या किया, डट के सामना किया। और जो लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पे प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध हटा दिया गया। आप लोगों ने तालिबान का नाम सुना होगा, जो एक उग्र कंट्री के नाम में जाना जाता है, उसने मलाला यूसुफजई पर प्राण लेवा यानी जान लेवा अटैक किया, लेकिन उसके बाद भी ये बच गई। और बचने के बाद इनको अमेरिका के संरक्षण में रखा गया, और पहली बार अमेरिका ने क्या किया, मलाला यूसुफजई का नॉमिनेशन किया नोबेल पुरस्कार के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये कि 2014 में हमारे एक और भी व्यक्ति ऐसे ही हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी, इनको और इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2014 का शांति का दिया गया था। तो मात्र उस समय मलाला यूसुफजई की उम्र 17 ईयर, यानी 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार लेकर इन्होंने क्या कर दिया, नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र के विजेता बनने वाली हो गई। तो इस तरीके से आपका अगर कोई भी प्रश्न बनता है कि
सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। पूछता है किस देश की है? तो पाकिस्तान की। पूछेगा किस उम्र में दिया गया? तो 17 साल में दिया गया। फिर क्वेश्चन पूछता है किसके लिए दिया गया? तो नारी शिक्षा के लिए दिया गया था। और फिर क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कोई भी रिलेटेड, मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पूछेगा कब दिया गया? तो 2014 में दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे कम उम्र में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब सबसे अधिक में देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे अधिक के बारे में अगर बात करें तो आपका लास्ट ईयर यानी 2019 में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 2019 में जान, 2019 में आपने सुना होगा अमेरिका के व्यक्ति हैं जान। 2019 में आपने देखा होगा जान गुटन गुड एनफ का नाम सुना होगा, एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनको 97 साल यानी सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का दायित्व तो दिया गया। अभी ये नया नाम है इसलिए इसको ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज इन्वेंशन होती है, नए में रिसर्च होता है या नया पुराना रिकॉर्ड टूटता है, तो उसमें ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी के साथ में इन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बनाया, सबसे अधिक उम्र होने का नोबेल पुरस्कार का रिकॉर्ड बनाया। तो अगर हम इनके सेक्शन के बारे में बात करें तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने मिलकर और दो लोगों ने मिलकर इन्वेंशन किया है। तो लेकिन इनका अगर अधिक उम्र के बारे में बात करेगा तो ये आपका नाम आ जाता है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अब हमारा अंतिम पॉइंट होगा जो विश्व लेवल के क्वेश्चनों को बनता है, उसमें देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो हम लोग नोट करके कुछ चीजों को समझते हैं। पहला पॉइंट आपका अगर क्वेश्चन पूछता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो 1867 में किया, और वो कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल, और यही इन्वेंशन इनको पूरा विश्व प्रसिद्ध बना दिया जो आज हम पुरस्कारों में लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट अगर हमसे पूछता है कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ था, तो हम लोग देते हैं 10 दिसंबर 1896 को इनका निधन हुआ था। और इसी दिन पर हम क्या करते हैं, इन पुरस्कारों का वितरण करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि अल्फ्रेड नोबेल का ऐसा कौन सा कार्य था जो काफी विश्व प्रसिद्ध था, तो ये काफी विश्व प्रसिद्ध इनका डायनामाइट की खोज ही है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले बहुत सारे इन्वेंशन किए, लेकिन डायनामाइट का एक इन्वेंशन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है जो आज भी देशों में जाना जाता है। तो बेसिक तौर पे आपने देखा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक गई। अब हम लोग भारत से रिलेटेड हैं, तो हमारे एग्जामिनेशन में भारत के व्यक्तियों के बारे में भी पूछेगा प्रश्न कि भारत के कितने लोग हैं जिन्हें नोबेल दिया गया, किस तरीके का। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप भारत का देख पाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा नोबेल का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा विश्व लेवल पर किस तरीके का प्रश्न बनता है। अब हम लोग नोबेल से सम्मानित भारतीयों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट पूरी नोट कर दी है, आपको अगर लगता है कि मैं इसको नोट करना चाहूँ या फिर स्क्रीनशॉट करके रखना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत में पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो नोबेल से सम्मानित हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैं पॉइंट वाइज जैसे आपको बताऊंगा वैसे क्वेश्चन को समझिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन पहला बनता है, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी ये प्रश्न आपके केवल किसी भी तरीके से चार पैटर्न पर पूछे जाएंगे, केवल तरीका बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो चार विकल्प आपका उठा देगा, 1913 सही कर देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर को किस साहित्य के लिए नोबेल दिया गया, तो गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र का नोबेल दिया गया, तो साहित्य क्षेत्र का नोबेल दिया गया। यानी हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं पहले भारतीय जिन्हें 1913 में उनके साहित्य गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हमारे पास दूसरे व्यक्ति आते हैं सीवी रमन, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो हम शॉर्ट में अगर सीवी रमन को लिख लेते हैं तो यहाँ पे पेपर में आपका सीवी रमन ही करके देता है, या अगर फुल नाम पूछ लेता तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जरूर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा आपका सीवी रमन को किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1930 में दिया गया। किस लिए दिया गया, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। आप इंटर के या हाई स्कूल की किताबों में रमन इफेक्ट जैसे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में अब भारत के पहले वैज्ञानिक कौन बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका सीवी रमन। तीसरा हमारे आते हैं हर गोविंद खुराना,
इनको समझिए, हर गोविंद खुराना को पूछा जाएगा किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया, किस लिए दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर गोविंद खुराना को 1968 में सिंथेटिक या कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन के इन्वेंशन के लिए यानी खोज के लिए चिकित्सा यानी मेडिसिन का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इसके बाद चौथे व्यक्ति हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट बनती हैं मदर टेरेसा जी, यानी अगर पुरुषों में बात करें पहले व्यक्ति कौन है तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं, और महिलाओं में बात करें तो मदर टेरेसा जी। मूल रूप से भारतीय नहीं थी लेकिन इन्होंने यहाँ पे आके भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी इसलिए भारतीय मानी गई। तो भारत की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो आंसर हो जाएगा आपका मदर टेरेसा। कब दिया गया? 1979 में दिया गया। किस क्षेत्र का दिया गया? शांति का। और किस लिए दिया गया? तो समाज सेवा को गिना नहीं जा सकता है, अनगिनत सहायताएं लोग कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके से इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से समाज की दशाओं को सुधारने के लिए कार्य करना था इन्होंने किया। तो इसलिए एक पहली भारत की महिला है, और अब तक को और किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया महिलाओं में। नॉमिनेशन बहुत बार लोगों का हुआ लेकिन अभी मदर टेरेसा का ही नाम आता है। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारे हुए नेक्स्ट व्यक्ति, जिन्होंने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत भवन के नक्षत्रों के बारे में थ्योरी दी, और वो थ्योरी आपकी क्या हुई, एक बहुत बड़ी इन्वेंशन यानी खोज मानी गई जो भौतिक क्षेत्र से रिलेटेड हुई। यानी उन्हें क्या क्या तारों का उन समूह के बारे में अध्ययन किया जो देखने में तो बहुत सूक्ष्म थे लेकिन बहुत ज्यादा क्या थे, वो व्हाइट दिखते थे यानी श्वेत दिखते थे, और वो थ्योरी ही इनकी 1983 में पब्लिश हुई और जिसकी वजह से इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब दिया गया पुरस्कार नोबेल का, तो 1983 में दिया गया। किस लिए दिया गया? व्हाइट ड्वार्फ यानी नक्षत्रों के बारे में थ्योरी देने के लिए, भौतिकी क्षेत्र का। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट में, आपकी बात करें तो अमृत सेन का कई बार जिक्र किया जाता है पेपर में, क्वेश्चन पूछता है अमृत सेन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इकोनॉमी के पहले व्यक्ति भारत के थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी दूसरे व्यक्ति हम आगे बताएंगे आपको। तो इस तरीके से आपके इकोनॉमी 2019 में हमारे अभिजीत बनर्जी जो बहुत ज्यादा इस समय पेपरों में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आगे लिस्ट में आप नाम देखेंगे। तो क्वेश्चन आपका अमृत सेन को 1998 में 1998 में दिया गया कल्याणकारी अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र का हमारा बहुत बड़ा विस्तार है जिसमें से अलग अलग सेक्शन अलग अलग लोग इन्वेंशन करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं बीएस नेपॉल हमारे पास। तो बीएस नेपॉल ने इन्होंने पुस्तक सामाजिक सोशल में क्या है, लोगों को जागरूक होने के लिए लोगों को धैर्य रखकर जीवन को किस तरीके जीना चाहिए उसका वर्धक चीजों को बढ़ाने के लिए किताब बनाई, वो हसीये पे टंगे लोगों के नाम से जाना गया। यानी उस दुर्दशा से व्यक्ति को निकलने के बारे में बताया जिससे समाज में क्या हो, परिवर्तन हो सके। तो वो किताब काफी फेमस हुई जिससे क्या हुआ 2001 में इन्हें साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इसके बाद आते हैं आर के रमन के बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे और नहीं जानते तो इनके बारे में जाने। आर के रमन हमारे एक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने क्या किया था, अमेरिका के टॉमस ए स्टेटस और इजराइल के अडाई योनत के साथ मिलकर एक केमिकल, यानी आप समझी रहे हैं कि लगातार हमारे केमिकल रिसर्च होते रहते हैं और इन्वेंशन होती रहती है। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे पूरा विश्व किसके रिसर्च में पड़ा हुआ है, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर कोई भी इस वैक्सीन को बनाता है तो उस व्यक्ति का नॉमिनेशन जरूर किया जाएगा ऐसे पुरस्कारों के लिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर के रमन जी का यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का हमारा नाम आता है। 2009 में इन्होंने क्या किया था, रसायन के क्षेत्र में केमिकल इन लोगों ने एक एंटीडोज बनाया था जिनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हमारे आ जाते हैं नवे नंबर पे व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्होंने क्या किया था बचपन बचाओ आंदोलन, यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं, और इन्होंने क्या किया उन छोटे छोटे अनाथ बच्चों के असहाय बच्चों के लिए एक चैरिटी बनाई है यानी एनजीओ बनाया है जो काफी विश्व सराहनीय है, और उन बच्चों को जीवन दे पा रहे हैं जिन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें क्या किया शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। जिनके साथ ही एक हमारी अभी हमने चर्चा किया तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे टॉपिक में कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो उनमें से हमारे ये व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी जी हैं। नेक्स्ट हमारे पास अंतिम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय मान लीजिए अभी कोरोना वैश्विक महामारी जैसे ही खत्म होती है तो वनडे कम्पिटिशन में आने वाले एग्जामिनेशनों में 2019 का नोबेल पुरस्कार का कहीं ना कहीं प्रश्न अगर बनता है तो हाँ अभिजीत जी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि 2014 के बाद 2019 में अभिजीत बनर्जी इन्होंने क्या किया वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रयोगात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया,
जिसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया गया, जिसमें माइकल क्रेमर और एथर डेफलो जी सम्मिलित हैं। अभी मैं 2019 का आपका नोबेल पुरस्कार की लिस्ट बना देता हूं, आप उसको स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने 2019 का लिस्ट बना दिया है, आप ऐसा करें इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर क्या करिए, इनको केवल रिवीजन करिएगा क्योंकि ये हर वर्ष बदल जाएंगे। 10 दिसंबर 2019 खत्म हो जाएगा, अक्टूबर के तक आपका जाते जाते फिर 2020 का नॉमिनेशन आ जाएगा। यानी जो मैंने अब तक बेसिक पढ़ाया उसको आप हमेशा के लिए तैयार करिए, जब बेसिक से क्वेश्चन आएगा तो वहां से मिलेगा, करंट का केवल आपको देखिए क्या क्या करना होगा, केवल इतना क्वेश्चन पूछेगा। शांति 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर आपका होगा अबी अहमद, इथोपिया के क्या है ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि शांति का पुरस्कार किसे दिया गया, आप उसको वहां पे टिक कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट है देखिए, शांति का है, साहित्य का है और आपका अर्थशास्त्र का है, ये ज्यादा पूछा जाता है। अब इसके बाद आपका साहित्य का देखिए पुरस्कार मैंने दो लिख रखा है, उसका रीजन केवल इतना है कि 2018 का नोबेल पुरस्कार विवादित होने के कारण नहीं दिया गया था, इसलिए इस वर्ष 2018 और 19 दोनों दिया गया है, इसलिए मैंने पहले 19 लिखा है फिर 18 लिखा है। तो 2019 का पूछता है तो पीटर हैंडके हैं और 2018 पूछता है तो ओल्गा तो कार्जू है पोलैंड की। देखिए मैंने कंट्री का नाम मेंशन किया, कभी कभी देश का नाम पूछ लेता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये आपकी पोलैंड की हैं। अब इसके बाद आ जाता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हमारा, अभी मैंने अभिजीत बनर्जी जी के बारे में चर्चा किया तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनको ध्यान रखें स्पेशली। अभिजीत बनर्जी और इनकी ये वाइफ हैं, ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से प्लस इनके साथ में इनके सहभागी हैं आपके माइकल क्रेमर अमेरिका के, तो यानी इन तीनों लोगों को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है। अब इनके बारे में किसके लिए मेंशन किया गया, तो ये आपका वहां से इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप अगर मैगजीन वगैरह के माध्यम से इंटरेस्टेड है तो पढ़ लीजिएगा, या अगर मान लीजिए आपको इनके बारे में और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से कहिएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और नोबेल पुरस्कार के लेक्चर में बना दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है चिकित्सा यानी मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो तीन लोगों को दिया गया आपका, विलियम जी केल्विन अमेरिका के हैं, सर पीटर रेडक्लिफ ब्रिटेन के हैं, ग्रेग सेमेंजा अमेरिका के। देखिए नाम आपको लग रहा होगा भैया कि थोड़ा टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर लेंगे, केवल आपको पढ़ना है 2 से 3 बार। भौतिकी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो तीन लोगों को दिया गया है, यहाँ पे आपके जेम्स पीबल्स हैं अमेरिका के, फिर इसके बाद माइकल मेयर हैं आपके, डेडियर केवलाज हैं स्वीडन के, तो इन दोनों लोगों को संयुक्त प्लस इनके साथ में इनके सहभागी तीनों लोगों को मिला के दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोबेल पुरस्कार की कि जितने लोग भी होते हैं सभी को समान धनराशि दी जाती है, तो वह तो 3 में बटेगा, 2 लोग हैं तो 2 में बटेगा और 1 है व्यक्ति तो फिर उसको तो 100 में पूरा दिया जाता है। इसी के साथ अंतिम पॉइंट हमारा आता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पुरस्कार, संयुक्त रूप से 3 लोगों को यह भी दिया गया, जॉन गुड एनफ अमेरिका, और मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट्स के माध्यम से बताएं, जॉन गुड एनफ को अभी मैंने आपको बताया इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन सा है। फिर इसके बाद आपके स्टेनली बिटिंगम है ब्रिटेन के, अकीरा योशिनो जापान के, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए और बार बार वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। थैंक्स।